अब हमें सर बताएंगे कि इसके कैसे 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 यूज़ है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सर, इस गाड़ी को जैसे हम इस टाइम इसका इंजन बंद है, कट ऑफ है इसका इंजन, इसको जब स्टार्टिंग यहाँ पे लाते हैं तो इसको इसका इग्निशन है जो गाड़ी को रीड करता है। उसके बाद हम इसको इस तरफ करेंगे तो ये सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। इसका ये हैजार्ड लाइट है, जैसे आप चारों इंडिकेटर आफ्टर मार्केट से करवाते हैं तो ये इसमें इनबिल्ट ही कंपनी ये दे रही है फीचर। इसको हम इस साइड को करेंगे तो आपके चारों इंडिकेटर हाई बीम्स, स्नो एंड बारिश में नाइट के टाइम पे आप जहाँ पे राइड रूट करते हैं तो उसके लिए सेफ फीचर ये देर का सेफ्टी वाई फीचर होता है हज़ार लाइट। ठीक है, एंड देन इसको हम यहाँ से बंद करेंगे तो ये यहाँ से ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हम दूसरी साइड चलते हैं और इसका यहाँ से हाई बीम एंड लो बीम ये पासिंग का है, जैसे आप किसी को राइट में रास्ते में जाते हैं आपने साइड लेनी है तो उसको ये डिपर मारेंगे एंड वो आपको साइड दे देगा। एंड यहाँ से इसके राइट इंडिकेटर सिंगल इंडिकेटर यहाँ से हैं, इस तरफ को और ये आपका हॉर्न आता है, हॉर्न और ये आपका आई स्मार्ट बटन है जिससे आप अपना टाइम सेट कर सकते हो, ट्रिप सेट कर सकते हो कि आपका यहाँ से कहाँ तक कितनी दूर तक चेस कर चुके हो। ठीक है, और इससे टाइम सेट भी हो जाता है और ट्रिप रूट एवरीथिंग इज सेट फॉर दिस बटन। अब इसके मीटर कंसोल पे चलते हैं। और ये देखिए इसके सारे फीचर्स यहाँ पे आपको इग्निशन देख जाएंगे, ये पेट्रोल का है, ये इंजन का है, ये एबीएस का है और ये बैटरी का है और ये तो आपको पता ही होगा कि न्यूट्रल का साइन है। इसमें जैसे यहाँ से मूवमेंट कैसे, ये देखिए यहाँ से आपको टाइम भी आएगा कि आपको क्लॉक अपना इजीली एएम पीएम कुछ भी कर सकते हो, यहाँ से आपको सेट कर सकते हो। उसके बाद और यहाँ से आपका इकोमीटर आता है और ये आपका आता है ट्रिप ए कि अब यहाँ से जब आप कहीं भी जाते हो तो कितना आप चेस कर चुके चला चुके हो बाइक, वो भी बताएगा आपको। और ट्रिप टू का मतलब होता है जब आप नेक्स्ट टाइम कहीं घूमने फिरने जब बाइक लेके जाते हो तो उसको भी आपको बता देगा। और ये आपका आता है ट्रिप ऐप, जब आपकी यहाँ पे फ्यूल का साइन आता है और तो ये गाड़ी बता सकती है कि आप कितना किलोमीटर आप गाड़ी चला चुके हो और कितनी चलेगी। स्पीडोमीटर भी इसका डिजिटल मीटर कर दिया है, सिंपल से काफ़ी चेंज कर दिया है कि आपको नाइट में भी दिक्कत ना आए। हाफ एनालॉग हाफ डिजिटल, यस ऐसा है इसका कुछ डिजिटल कंसोल। अब हम आपको रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 के फीचर्स के बारे में बताते हैं। हम क्या हमारे वो बाइक के शोरूम वाले आपको बताएंगे। स्टार्ट करते हैं, जैसे कि देखो जी सबसे पहले हम चाबी ऑन करेंगे, ये की राउंड लेके वापस आएगी। उसके बाद ये स्विच है जी, यहाँ से बीच में रखेंगे इसका पंप ऑन होएगा। उसके बाद इसको हमने स्टार्ट करना है नॉर्मली और गाड़ी हमारी स्टार्ट होगी। जब इसको बंद करेंगे उसके बाद हम चाबी ऑफ करके फिर इसको ऑन करके देखेंगे, इसमें इंडिकेशन है, एक बैटरी का इंडिकेशन, एबीएस का इंडिकेशन और फ्यूल का इंडिकेशन। अगर हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो हमने देखना है कि ये हमारे इंडिकेशन बंद हो रहे हैं, क्या इंजन की लाइट भी बंद हो गई है, एबीएस सारा कुछ बंद हो गया। ये थोड़ा सा हम आगे चलेंगे और ये इंडिकेशन भी बंद हो जाएगा, फ्यूल डलाएंगे ये भी बंद हो जाएगा, गियर शिफ्ट करेंगे ये भी बंद हो जाएगा। आइए चलें दूसरे फीचर के बारे में बताते हैं। ये देखो जैसे कि हमें हैजर्ड मिल गया इंडिकेटर, चारों इंडिकेटर चलते हैं, ये देखो मीटर पर भी इंडिकेशन देगा आपको। ठीक है जी, उसका हम इसको बंद करेंगे, ये नॉर्मल मिल गया जी यहाँ पे सिंगल अप डाउन। उसके बाद हमें हम जैसे ये इसमें हाई लो बीम, ये हमारा हॉर्न का स्विच मिल जाता है, ये हमारा मैनुअल बटन मिल जाता है, जैसे कि हम इससे टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं मीटर पे ऐसे इसको लॉन्ग प्रेस करके, या हम इसका टाइम सेट वगैरह कर सकते हैं। ये देखो ये ब्लिंक करने लगा, ऐसे ही वन को सिलेक्ट कर दिया, इसको नॉर्मली आगे पे लेके जाना, इसको फिर लॉन्ग प्रेस करके रखो फिर ही आगे जाएगा, फिर लॉन्ग प्रेस करके रखो, फिर अपना टाइम सेट है।
इसको जीरो भी कर सकते हो मैनुअल बटन से, जैसे आपने एवरेज वगैरह या कुछ देख लिया गाड़ी की। ये देखिए जीरो हो गया। अब ऐसे इसमें टिप टू है, इसको भी आप नॉर्मली जीरो कर सकते हो। इसमें ये ट्रिप एफ आ जाता है, ये है हमारा रिजर्व। जैसे फ्यूल का इंडिकेशन हो गया, ये फ्यूल का इंडिकेशन हो गया। जब हम इसके अंदर पेट्रोल डलवाएंगे तो इंडिकेशन बंद हो जाएगा ट्रिप का। और वैसे ही हमें इसमें एक डाटा केबल मिलती है USB। इसमें हम मतलब फ़ोन चार्ज